हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि खून को पतला करने के लिए और हार्ट प्रॉब्लम से बचे रहने के लिए आपको ये पांच चीज़ें ज़रूर खानी चाहिए। वो पांच चीज़ें कौन सी हैं जो कि खून को पतला करती हैं और खून के थक्के शरीर में नहीं जमने देती। कुछ खाने वाली चीज़ें ऐसी होती हैं जो ब्लड के सर्कुलेशन को ठीक करती हैं। ये खाने वाली चीज़ें खून को पतला करके खून के थक्के नहीं जमने देती। आज मैं ऐसी ही पांच चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। खून के थक्के बनना शरीर में बहुत ही आम सी बात होती है। जब भी हमारे कहीं चोट लग जाती है तो खून को रोकने के लिए, खून के बहाव को रोकने के लिए खून का थक्का बनना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यही थक्का अगर हमारी ब्लड लेके जाने वाली नसों में बन जाए तो ये हार्ट प्रॉब्लम या फिर ब्रेन स्ट्रोक का खतरा पैदा कर देती है। तो कुछ ऐसी चीज़ों को खाना चाहिए जो खून को पतला करें, यानी कि जिनका खून गाढ़ा है उनको खून पतला करने की या फिर तो मेडिसिन लेते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करें ताकि खून पतला ही रहे। तो पहली चीज़ है हल्दी। हल्दी को पुराने टाइम से ही एक औषधि के रूप में काम में लिया जा रहा है। ये हमारे घर में बहुत आसानी से मसालों के रूप में मिल जाती है। इसमें पाया जाने वाला क्रक्यूमिन शरीर में खून को पतला करके उसके थक्के नहीं जमने देता और ब्लड के सर्कुलेशन को बेटर करता है। दूसरी चीज़ है ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली चीज़ें। ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली चीज़ें भी खून के थक्के नहीं जमने देती, बुरे कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से बाहर करती हैं। आप अलसी, वॉलनट, फिश इनको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये ओमेगा 3 वाली चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ है दालचीनी। दालचीनी खून को पतला करती है। इसके अलावा इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। आप क्या करें, एक गिलास पानी में एक चुटकी दालचीनी को उबाल कर पी लीजिए। ऐसा करने से खून पतला रहेगा और खून के थक्के नहीं बनेंगे। इसके अलावा चौथी चीज़ है हरी मिर्च। हरी मिर्च में सिलिमेलेट होता है जो कि खून के थक्के नहीं जमने देता और खून को पतला करता है। पांचवी और लास्ट चीज़ है अदरक। अदरक की भी अगर आप रेगुलर चाय पीते हैं तो खून पतला रहेगा। अब आप ये जान लीजिए कि आपने अदरक की चाय पीनी कैसे है। आपने एक गिलास पानी लेना है, उसमें आधा चम्मच अदरक डाल देनी है और बॉईल कर लेनी है। इस चाय को आपने पीना है। ये मैंने इस वीडियो में आपको पांच ऐसी चीज़ें बताई हैं जो कि खून को पतला करती हैं और हार्ट प्रॉब्लम के खतरे को बिल्कुल दूर कर देती हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।